देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लगातार अपराध को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खबर भोजपुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर कुछ हथियारबंद अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी है। जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र के पवना गाँव स्थित उर्दू मध्य विद्यालय के समीप का है, जहाँ पर सोमवार की सुबह को हथियारबंद बदमाश ने युवक को गोली मार दी और जख्मी युवक को गोली लगने से उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। देखिए बिहार में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी बेखौफ हो गए हैं, लगातार इस तरह के अपराध को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भोजपुर में सोमवार की सुबह को आज ही मतलब यानी कि अहले सुबह आज एक हथियारबंद अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी। ऐसे में आनन फानन में उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया है। शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में उसे लाया गया है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना के बाद लोगों में सनसनी मची हुई है, लोग काफी ज्यादा डरे हुए घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए कि घटना स्थल पर पहुंचे मामले की छानबीन भी करने में जुट गई है स्थानीय थाना। जानकारी के अनुसार जख्मी युवक पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव वार्ड नंबर 2 निवासी शरीफ का है, जहां पर अहले सुबह वो उर्दू मध्य विद्यालय के पास घूमने के लिए गया था और अहले सुबह हथियारबंद अपराधी वहां पर मौजूद थे और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और वहां के स्थानीय लोग जो हैं उनके बीच भी डर का माहौल देखने को मिल गया है और वो लोग वहां पर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि बिहार में लगातार जो अपराध का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार बिहार के तमाम जिलों से जो अपराध की खबरें हैं, गोलीबारी की जो खबरें हैं वो सामने आती है। ऐसे में देखिए भोजपुर में आज सुबह अहले सुबह एक युवक को गोली मार दी जाती, हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे सदर अस्पताल ले गया गया है और वहां के सदर थाना के जो थानाध्यक्ष हैं वो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद पुलिस जो है अपने स्तर से इस मामले की छानबीन कर रही है, जबकि दूसरी ओर इलाज कर रहे हैं सर्जन चिकित्सक डॉक्टर विकास सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप उन्हें सुने। तो गोली निकाल दिया गया है और छाती में हम लोग ने चेस्ट को डाल दिया है, तो ब्लड आ रहा है अभी, हम लोग एक आध यूनिट ब्लड अरेंज कराए थे तो तुरंत तो उसको ट्रांसफ्यूज कराएंगे और अभी पीपी पल्स अभी स्टेबल है, स्थिति अभी नियंत्रण में, अभी नियंत्रण में। तो आपने सुना कि डॉक्टर ने बताया है कि युवक को गोली से जख्मी हालत में लाया गया है, जख्मी युवक को गोली दाहिने साइड में लगी है, उसका ऑपरेशन कर बुलेट निकाल दिया गया है और चेस्ट ट्यूब लगा दिया गया है, वहीं ब्लड का भी अरेंज किया जा रहा है। और थाना अध्यक्ष क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आप वो सुने। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ लेके आए हैं, अभी स्थिति बहुत अच्छा है, आपकी रंजित है, लड़का लड़का लोग का विवाद है, छोटा मोटा मैटर, छोटा मोटा मैटर है, आपने लड़का लोग के साथ लड़का है और आप उसमें गोली चला दिया। आप लोग सदर अस्पताल लेकर गए थे? हाँ, सदर अस्पताल लेकर डॉक्टर विकास सिंह के यहाँ बेहतर इलाज के लिए। मरीज को आप साथ ही लेकर गए? हाँ हाँ। अच्छा, कहाँ पवना आ रही है? पवना पंचायत का अरेला गाँव। हाँ, कौन थाना पड़ता है? पवना थाना। ठीक है, क्या पंचायत आपका? मंटू सिंह मुखिया पवना पंचायत। तो आपने सुना कि वो पूरे मामले की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरी वारदात है वो हुई, उसके बाद लगातार जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो छानबीन में जुट गई है और कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।